लोग अपनी बाइक को ऊबर कंपनी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन करते हैं और महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी बाइक से महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी बाइक को ऊबर कंपनी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो में बिल्कुल आपको शुरुआत से सिखाऊंगा कि ऊबर कंपनी में बाइक को लगाने के लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फ़ोन के स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ऊबर ड्राइवर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मेरे फ़ोन में ओपन हो रहा है, ठीक उसी तरह से आपके भी फ़ोन में ओपन होगा। अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू करते ही आप इस पेज पे आ जाओगे और इस पेज पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा एंटर फ़ोन नंबर। इसका मतलब यह है कि आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर भर लेता हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अब मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आप भी अपना कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपके फ़ोन के स्क्रीन पे इस तरह का एक और पेज ओपन होगा। इसमें आपकी ओटीपी आएगी जो कि ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। इस पेज पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा व्हाट्स योर नेम। इसका मतलब यह है कि आइए आपका नाम पूछ रहा है तो आपको इसमें अपना नाम भरना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट नेम में आपका पहला नाम और लास्ट नेम में आपका लास्ट वाला नाम फिल करना पड़ेगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने अपना पहला नाम और लास्ट नेम लिख लिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, आप भी नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन दिख जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा विच वुड यू लाइक टू अर्न, यानी आप किस सिटी में काम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नोएडा की सिटी में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नोएडा टाइप कर लूँगा। मैं सेक्टर 18 में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नोएडा सेक्टर 18 वाला जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। अगर इस पेज पे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा चूज़ हाउ टू वांट टू अर्न विथ ऊबर, यानी ऊबर के साथ आप कैसे कमाई करना चाहते हैं। तो मैं बाइक से कमाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाइक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखोगे तो यहाँ पे दो मोटर बाइक लिखा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी यहाँ पर दो बाइक बनी है। इसमें दो कैटेगरी की बाइक लग रही हैं। दो कैटेगरी का मेरा मतलब है कि नंबर प्लेट से, जैसे अगर आपका येलो नंबर प्लेट है बाइक का तो आप इस वाले बाइक के ऊपर क्लिक करिएगा, यानी इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा। लेकिन अगर आपके बाइक का वाइट नंबर प्लेट है तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा, यानी पहले वो वाले ऑप्शन। तो मेरा जो बाइक है उसका वाइट नंबर प्लेट है, इसलिए मैं पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। करने के बाद अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ दिख जाएगा। अब मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, आप भी कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा सिलेक्ट योर लैंग्वेज, यानी आप अपनी भाषा चुने। तो चलिए मैं सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारी भाषाएं हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, बंगला है, कई सारी भाषाएं जो इससे मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इंग्लिश वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। आप अपने हिसाब से अपनी भाषा को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पेज पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा वेलकम अभी, यानी जो मेरा नाम है अभी, तो अभी है वेलकम मतलब स्वागत है, ठीक है। तो आपका भी इसी तरह से लिखेगा वेलकम, जो भी आपका नाम होगा आपका नाम लिख देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट रिकमेंड नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए मैं इस स्टेप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपने हाथ में ले लेना है। और इसके बाद आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखा होगा, आप वही ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इसमें फिल कर लीजिएगा। और आप देखोगे तो DOB लिख के आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा और वो डेट ऑफ बर्थ इसमें लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल कर लेता हूँ, यानी लिख लेता हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर लिया। इसके बाद मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा, आप भी अपना कर लीजिएगा। इसके बाद आपको प्रोफाइल फ़ोटो वाला ऑप्शन दिखेगा, अब आपको प्रोफाइल फ़ोटो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये बता रहा है कि आपको फ़ोटो अपनी कुछ इस तरह से लेना है, जैसा कि इस लेडीज़ का फ़ोटो है। फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको टेक फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं टेक फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अपना फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा, आप जिस भी तरह से कर सकते हो। तो उस लेडीज़ की तरह तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश पूरा करूँगा कि उसी तरह से मैं फ़ोटो क्लिक करूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा लूँगा।
सो अभी यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो आ चुका है, यहाँ पे मेरा माइक दिख रहा है। अगर आपको ये फ़ोटो अच्छा लग रहा है तो सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा, लेकिन आपका फ़ोटो आपको बेकार लग रहा हो तो आपको रीटेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन मेरा फ़ोटो जैसा भी ठीक है, इसलिए मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। बस आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा थैंक्स फॉर योर फोटो, और आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपके फ़ोन के स्क्रीन पे आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी गाड़ी के RC का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमने प्रोफाइल फ़ोटो को अपलोड किया, ठीक उसी तरह से आप इन तीनों को अपलोड कर दीजिएगा। मैं अगर एक एक चीज़ें दिखाने चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसा कि अभी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, इसलिए इन पे इन रिव्यू लिखा हुआ है। जो भी इन रिव्यू का मतलब होता है कि मैंने कंपनी में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आप कंपनी वाले चेक कर रहे हैं कि सही है या गलत। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा यानी सही हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊबर ड्राइवर ऐप कैसे ओपन होता है और हम उससे कैसे अपनी कमाई करते हैं। अभी मेरा ऊबर ड्राइवर ऐप के अंदर सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। मैं बताऊँगा आपको कि ऊबर ड्राइवर ऐप कैसे ओपन होता है जब सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होता है। अब आपको गो वाले बटन पर क्लिक करना है, तभी कस्टमर का ऑर्डर आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको फाइंडिंग ट्रिप लिखा हुआ दिख जाएगा। फाइंडिंग ट्रिप का यह मतलब होता है कस्टमर का ऑर्डर जो ढूंढ रहा है। ये देखिए अभी कस्टमर का ऑर्डर आ जाएगा। ये देखिए आ गया कस्टमर का ऑर्डर। जो कस्टमर का ऑर्डर है कैश पेमेंट है, यानी मुझे कस्टमर कैश में देगा पेमेंट। अगर मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लूँगा तो कस्टमर के पास मुझे जाना होगा। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दिख रहा होगा। दोस्तों आप इस वीडियो पे क्लिक करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि ऊबर ड्राइवर ऐप को कैसे यूज करते हैं, जैसे कि उसमें कैसे ऑर्डर आता है, उसमें कैसे कस्टमर से पैसा लेना होता है, कस्टमर की लोकेशन पे कैसे जाना होता है, कस्टमर को कस्टमर के घर कैसे छोड़ना होता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आज आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। धन्यवाद।